नमस्कार, क्या आप भी स्वस्थ रहने और बीमारियों को भगाने के लिए सही आयुर्वेद सीखना चाहते हैं? तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जहां मिलेगी आयुर्वेद की सबसे सही और असरदार जानकारियां, वो भी फुल प्रूफ के साथ। सॉरी, डिस्टरबेंस से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो चुका था, इसलिए बीच में कट हो गया। हमारा विषय चल रहा था कि पूर्वाध्याय में, श्रोतो विमान अध्याय के पूर्वाध्याय में त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय नाम का अध्याय है, उसमें परीक्षाओं का वर्णन किया है और उसके बाद ये श्रोतो विमान का अध्याय है। अब तक हमने देखा था कि इसका नाम ही विशेष है, श्रोतसाम विमानम, ऐसा इसका नाम कि श्रोतसाम विमानम ऐसा नाम किया है। ये क्यों किया है कि इसको ईय प्रत्यय नहीं लगा है, इसलिए सिर्फ विषय है, नाम का विषय, विषय का द्योतक है ये। एक शारीर भाव का वर्णन हम करते हैं, इसके अनुसार आपको अन्य शारीर भावों का वर्णन करना चाहिए, और इसलिए एक विषय हमारे सामने उन्होंने रखा है स्रोतसों का। अब हम अध्याय को शुरू करते हैं। यावंतः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषः। जिस शरीर में पुरुष में, पुरुष मतलब पुरुष की व्याख्या, खादय शेताना षष्ठ धातवा पुरुषा स्मृतः, जो पंचमहाभूत और आत्मा इनका जो संयोग है उसको पुरुष कहते हैं, इसको शरीर हम कहेंगे कि शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव विशेष है उतने ही उसके स्रोतसों के प्रकार विशेष है। यहाँ पे स्रोतसों का क्राइटेरिया का पहला क्राइटेरिया वर्णन किया है, ये जो पहला सूत्र है उसमें स्रोतसों के क्राइटेरिया वर्णन किए हैं। पहला क्राइटेरिया है कि जिसका स्रोतस है उसको, वो भाव जो है वो मूर्तिमंत होना चाहिए। यावंता पुरुषे मूर्तिमंत भाव विशेषः तावंत स्रोतसाम प्रकार विशेषः। इसका अर्थ जो हमारे, हम इसके लिए पठन करते हैं कि 13 ही स्रोतसों का वर्णन किया है चरक ने, सुश्रुत ने 11 स्रोतसों का वर्णन किया है और उसके दो दो प्रकार करके 22 दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव विशेष है उन सबके अपने अपने स्रोतस हैं। शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव विशेष है उनके अपने अपने स्रोतस है। 13 स्रोतसों का वर्णन इन्होंने करके रखा है, बाकी के स्रोतसों का वर्णन हमें करना चाहिए। इसलिए पहला क्राइटेरिया है कि जिसका स्रोतस है वो मूर्तिमंत होना चाहिए। मूर्तिमंत मतलब उसको परमाणु स्वरूप होना चाहिए, उसको एक पार्थिव स्वरूप होना चाहिए, उसको मूर्ति होनी चाहिए। इसके दो अर्थ हम निकालेंगे कि जिनके स्रोतस वर्णन किए हैं वो मूर्तिमंत है, मतलब प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, रसवह, रक्तवह से शुक्रवह तक, पुरुषवह, मूत्रवह, स्वेदवह, ये 13 जो वर्णन किए हैं ये सारे भाव कैसे हो गए फिर मूर्तिमंत हो गए। और ऐसे कुछ अनुक्त स्रोतस जो ग्रंथ में यहां वहां हमें मिलते हैं, जैसे मनोवह का वर्णन है, अश्रुवह का वर्णन है, या फिर संज्ञावह का वर्णन है, अगर इनका अग्निवह का वर्णन किया गया, अगर इनके वर्णन किए हैं ग्रंथ में अन्य जगह पे, तो वो भाव भी मूर्तिमंत होने चाहिए, ये उनका पहला रक्षण है। यावंता पुरुषे मूर्तिमंत भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषः। और अनुक्त स्रोतसों का वर्णन कैसे करेंगे कि जो भाव यहाँ पे वर्णन नहीं किए हैं, या जिनके स्रोतस यहाँ वर्णन नहीं किए हैं पर शरीर में भाव है, जैसे लसिका है, जैसे वसा है, या फिर कोई और उपधातु है, उनके भी अपने अपने स्रोतस है, ये इसके ऊपर से हमें समझना चाहिए। आगे कहते हैं, चरक कहते हैं, सर्वे ही भावा पुरुषे न अंतरेण स्रोतांसी अभिनिर्वर्तन्ते। जिसका वो स्रोतस है उसकी उत्पत्ति उसी स्रोतस में होती है, मतलब या फिर जहां जहां उसकी उत्पत्ति होती है वहां वहां उसका स्रोतस है। दो अर्थ मिले हमें कि जहां पे उसका स्रोतस है वहां वहां उसकी उत्पत्ति होती है, मतलब जहां जहां रसवह है वहां वहां रस की उत्पत्ति होगी, ये एक अर्थ। या दूसरा अर्थ, रस की उत्पत्ति ये रसवह में ही होगी। आगे कहते हैं, क्षयम वापि अधिगच्छन्ते, और उस भाव विशेष का जो क्षय है वो भी उसी स्रोतस में होता है, मतलब उसकी उत्पत्ति भी उसी स्रोतस में है और उसका नाश भी उसी स्रोतस में है। मतलब रसवह की व्याप्ति कहाँ हो गई, रसवह के उत्पत्ति से, रस की उत्पत्ति से रस के नाश तक उसकी अभिव्यक्ति हो गई। रक्तवह स्रोतस कहाँ कहाँ है,
रक्त की निर्मिति से, रक्त का क्षय जहां जहां होगा वहां वहां रक्त व स्रोतस है। मेदो व स्रोतस कहां कहां होगा? जहां मेद की उत्पत्ति होगी और जहां तक मेद का नाश होगा ऐसे सब जगहों पे मेदो व स्रोतस है। मूल स्थान क्या है हम आगे जाके देखेंगे। तो स्रोतसों के तीन क्राइटेरिया अभी तक हमें मिले। पहला कि जिसके जिसको मूर्तिमंत है, जिसको परमाणु स्वरूप है उसके स्रोतस है, और जिनके स्रोतस वर्णन किए हैं वो मूर्तिमंत होना चाहिए। आगे कहते हैं कि उस भाव पदार्थ की उत्पत्ति उसी स्रोतस में होती है और उसका नाश भी उसी स्रोतस में होता है। मतलब वसा वह कहाँ होगा? जहां पे वसा की निर्मिति होगी वहां भी वसा वह स्रोतस होगा, और जहां पे वसा का नाश हो रहा होगा वहां भी वसा वह स्रोतस होगा। यहां हम उल्टा कहेंगे कि वसा की उत्पत्ति और वसा का नाश भी वसा वह स्रोतस में होगा। ऐसे अन्य अर्तव वह कहा होगा? जहां पे आर्तव की उत्पत्ति है और जहां पे आर्तव का नाश है, और आर्तव ये मूर्तमंत भाव पदार्थ है, वहां वहां आर्तव वह स्रोतस होगा। आगे कहते हैं स्रोतांसी खलु परिमाणम परिणामम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवंती अयनार्थिन। स्रोतांसी खलु, स्रोतांसी मतलब स्रोतस, ये परिमाणम परिणामम आपद्यमानानाम, परिणाम मतलब परिणमन को प्राप्त होने वाले, आपद्यमान ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब परिणाम परिणमन को प्राप्त होते हुए ऐसे धातुओं का अभिवहन करने वाले अयन जो मार्ग है शरीर में उसको स्रोतस कहते हैं। अब इस वाक्य में दो क्राइटेरिया आ गए कि एक उस भाव पदार्थ का परिणमन भी उसी स्रोतस में होगा। रस का परिणमन कहाँ होगा? रसवह में होगा। रक्त का परिणमन कहाँ होगा? रक्तवह में होगा। मांस का परिणमन कहाँ होगा? मांसवह में होगा। पुरुष का परिणमन कहाँ होगा? पुरुषवह में होगा। मूत्र का परिणमन कहाँ होगा? मूत्र में होगा। उदक का परिणमन कहाँ होगा? उदकवह। परिणमन मतलब उसका कार्य, उसकी अभिव्यक्ति और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें उसी स्रोतस में होती है। और आगे कहते हैं ऐसे धातु का मतलब शरीर को धारण करने वाले जो घटक है, यह धातु शब्द ये सिर्फ रसते शुक्र के लिए नहीं है। धातु शब्द की व्याख्या सूत्र स्थान के अध्याय 9 के 4 नंबर के सूत्र में दी है, विकारो धातु वैषम्यम नाम का सूत्र है, और उसके नीचे टीकाकार बताते हैं कि धातु पद से हमें कौन कौन लेना चाहिए। धातु पद से शरीर में जो प्राकृत भाव है उसका वहां पे समावेश करना चाहिए। मतलब कौन कौन वो बताते हैं, वातादीनाम रसादीनाम तथा रज प्रभृति देनाम। वातादि मतलब वातादि तीन दोष, ये जब प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो उनको धातु कहेंगे। रसादि सात घटक जो शरीर धारण का कार्य करते हैं उनको भी धातु कहते हैं, और रज आर्तव आदि जो उपधातु है स्तन्य वगैरह ये उनको भी उपधातु धातु संज्ञा दी जाती है क्योंकि वो शरीर का धारण का कार्य करते हैं। इसलिए धातु पद से यहाँ सारा प्राकृत घटक, सारे शरीर के प्राकृत घटक लेने चाहिए। उन धातुओं की अभिवाहिनी मतलब वहन करने वाला, मतलब अभी तक क्या क्या मिला हमें, उस भाव पदार्थ की उत्पत्ति उसी स्रोतस में है, उस भाव पदार्थ का नाश भी उसी स्रोतस में है, उस भाव पदार्थ का परिणमन भी उसी स्रोतस में है, उसका कार्य भी उसी स्रोतस में दिखाई देता है, उस कार्य की अभिव्यक्ति भी उसी स्रोतस में है, उसका नाश भी उसी स्रोतस में है, और उसका वहन, और वहन से अतिदेश करके आवहन, जाना और आना, मतलब उसका जो कोई वहन है वो उसी स्रोतस में होता है। इसलिए स्रोतसों के क्राइटेरिया हमें मिल गए। स्रोतसों के क्राइटेरिया इतने में फिर से दोहराता हूं क्योंकि ये सूत्र बहुत महत्व का है, इससे हमें अनुक्त स्रोतसों के क्राइटेरिया समझ में आ सकते हैं। एक स्रोतस जिसका स्रोतस है वो मूर्तिमंत होना चाहिए, परिणाम परमाणु स्वरूप होना चाहिए। दूसरा उस भाव पदार्थ की उत्पत्ति उसी स्रोतस में होती है, उसका नाश भी उसी स्रोतस में होता है, उसका परिणमन भी उसी स्रोतस में होता है, उसका कार्य भी उसी स्रोतस में होता है, उसकी विकृति भी उसी स्रोतस में होती है। कार्य होगा तो विकृति भी होगी। मतलब रस की रस का कार्य कहाँ कहाँ दिखाई देगा? जहां जहां रस वह होगा वहां वहां रस का कार्य दिखाई देगा। रस की विकृति कहाँ कहाँ दिखाई देगी? जहां जहां रस का स्रोतस है वहां वहां उसकी विकृति दिखाई देगी। रक्त की विकृति कहाँ कहाँ दिखाई देगी? जहां जहां रक्त वह स्रोतस है वहां वहां रक्त की विकृति दिखाई देगी। मेद की विकृति कहाँ मिलेगी और मेद का कार्य कहाँ मिलेगा?
जहां जहां मेद का स्रोतस है वहां वहां मेद का कार्य दिखाई देगा और वही मेद की विकृति भी दिखाई देगी। और अंतिम लक्षण है उसका वहन। रस का वहन कहाँ होगा? रसवह में होगा। रक्त का वहन कहाँ होगा? रक्तवह में होगा। वसा का वहन कहाँ होगा? वसावह में होगा। मज्जा का वहन कहाँ होगा? मज्जावह में होगा। रक्त का वहन कहाँ होगा? रक्तवह में होगा। इस प्रकार से हर स्रोत के बारे में हमें समझना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्व का है। परमाणु स्वरूप होना चाहिए, दूसरा उसकी उत्पत्ति, उसका नाश, उसका कार्य, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी विकृति और उसका वहन, ये उसी स्रोतस में होता है। अब इससे हमें कुछ अनुक्त स्रोतों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे आज मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न केमिस्ट्री के कारण हमें कई नए शारीर भाव पता चले हैं, जैसे विटामिन से, हॉर्मोन से, FSH है, LH है, TSH है, T3 है, T4 है, एड्रेनालिन है, या जो कुछ शरीर में भाव पदार्थ हमें मिलते हैं उनके अपने अपने स्रोत से। हाँ, क्योंकि ये इस क्राइटेरिया में बैठते हैं, मतलब FSH वह स्रोतस, LH वह स्रोतस, TSH वह स्रोतस, T3 वह स्रोतस, T4 वह स्रोतस, इस्ट्रोजेन वह स्रोतस, टेस्टोस्टेरोन वह स्रोतस। इस प्रकार के आज जो हमें स्रोतसों के नए शारीर भाव प्राप्त हुए हैं उनके स्रोतस हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? अब FSH वह स्रोतस कहां होगा? जहां FSH की उत्पत्ति है, जहां FSH का नाश है, जहां से FSH का वहन होता है, जहां FSH का कार्य दिखाई देता है और उसकी विकृति भी दिखाई देती है, वहां वहां FSH वह स्रोतस है। ये सिर्फ 13 ही स्रोतस है, यह दिमाग से अभी निकाल देना चाहिए। 13 हमारे अध्ययन के लिए दिए हैं, उससे हम अनुक्त स्रोतसों का अध्ययन कर सकते हैं। जो शारीर भाव आयुर्वेद में वर्णन है उनका तो स्रोतस हमें बनाना ही चाहिए, पर जो भाव आयुर्वेद में वर्णन नहीं है पर मॉडर्न केमिस्ट्री से हमें पता चले कि शरीर में है, ये शारीर भाव है। FSH शारीर भाव है, LH शारीर भाव है, इस्ट्रोजन शारीर भाव है, इस टेस्टोस्टेरोन शारीर भाव है, तो उनके भी अपने अपने स्रोतस है, इनका वर्णन हमें करना चाहिए और उनकी तभी हमें उनकी विकृति के डेप्थ तक हम जा सकेंगे। इसलिए ये अभ्यासकों के लिए एक बहुत महत्व का विषय है कि अनुक्त स्रोतसों का अध्ययन किस प्रकार से करें। आगे चरक कहते हैं, ये आत्रेय जी ने कहने के बाद, आत्रेय जी ने इतना कहा कि स्रोतस क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है, ये कहने के बाद कुछ शास्त्रज्ञ ऐसे कहने लगे, मैं पहले सूत्र पढ़ता हूं। अपिच एके स्रोतसाम एव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति सर्वगतत्वात् सर्वसरत्वात् दोष प्रकोपण प्रशमनानाम। कुछ शास्त्रज्ञ ऐसे कहने लगे कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है। इन्होंने पुरुष की नई डेफिनेशन तैयार की, क्योंकि शारीर भाव जिससे वहन करता है, जहां उसकी उत्पत्ति है, जहां वो नाश होता है, जहां उसका कार्य है, तो सारे स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है, ऐसा कुछ आचार्यों ने कहा। क्यों? उसके उन्होंने तीन कारण दिए। एक सर्वगतत्वात, सब जगह है, सर्वसरत्वात, सब जगह से उनका सरण उनकी गति है, और दोष प्रकोपण प्रशमनानाम, दोषों का भी प्रकोपण प्रशमन स्रोतसों में होता है, तो स्रोतसों का समुदाय ये ही पुरुष है। ये कहने के बाद आत्रेय जी कहते हैं, नतु एतदेव, नहीं ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि यस्य हि स्रोतांसि, जिसका यह स्रोतस है, यच्च वहन्ति, जिसमें से जो बहता है, यच्च आवहन्ति, जो बहके आता है, यत्र च अवस्थितानि, जो उस स्रोतस में स्थित है, जिसकी उत्पत्ति होती है, जहां नाश होता है, सर्वं तद् अन्यतेभ्यः, ये सभी स्रोतस ये शारीर भावों से भिन्न है। मतलब रस ये अलग शारीर भाव है और रस व स्रोतस ये अलग शारीर भाव है, रक्त ये अलग शारीर भाव है और रक्त व स्रोतस ये अलग शारीर भाव है, मेद ये अलग शारीर भाव है और मेदो व स्रोतस ये अलग शारीर भाव है, FSH ये अलग शारीर भाव है और FSH का स्रोतस ये अलग शारीर भाव है। इस प्रकार से स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है, ये व्याख्या
गलत है, क्योंकि जिसका ये स्रोतस है, जो इस स्रोतस से बहता है और जो वहाँ पे स्रोतस में अवतिष्ठ है, वो सारे भाव पदार्थ स्रोतसों से भिन्न है। अगर स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष कहेंगे तो ये शारीर भाव जो है ये पुरुष के बाहर चले जाएंगे, ये अव्याप्त हो जाएगा, इसलिए ये व्याख्या गलत है, ऐसा आत्रेय कहते हैं। आगे कहते हैं, मतलब इससे अभी हमें क्या पता चला कि उस शारीर भाव का वहन आवहन और उसका स्थान, मतलब वहां पे स्थिति, ये उसी स्रोतस में होती है, और एक क्राइटेरिया में प्राप्त हो गया। अति बहुत्वाद खलु केचित परिसंख्यानि अपरिसंख्यानि आचक्षते श्रोतांसि परिसंख्यानि पुनः अन्य। ये अति बहुत्व है, शरीर के कितने सारे शारीर भाव है, तो इसके अपरिसंख्य स्रोतस, ऐसे कुछ शास्त्रज्ञ कहते हैं और कुछ शास्त्रज्ञ उसकी गणना करते हैं। अब यहां तक जो वर्णन हुआ वो किस लिए महत्व का है, तेषां तु खलु, उन सारे परिसंख्यय या अपरिसंख्यय स्रोतसों में से यथास्थूलम, जो महत्व के है, कतिचित प्रकारा, उसमें भी कुछ प्रकार, सारे के सारे प्रकार नहीं बता रहे, उसमें भी कुछ प्रकार हम बता रहे हैं, और वो दो प्रकार से बता रहे हैं, कैसे, मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः। मैं सारे श्रोतो जो श्रोता ये व्याख्यान सुनने वाले हैं उनको एक नम्र विनंती है कि आप चरक सामने लेके बैठिए, तभी आपको ये जो सूत्र है सामने वो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। सूत्र अभी चार पूरा हुआ, पांचवा सूत्र चल रहा है। तेषां तु खलु स्रोतसाम यथा स्थूलम कतिचित प्रकारान मूलतः प्रकोप विज्ञानतः च अनुव्याख्यास्यामः। जितने सारे स्रोतस है अभी तक हमें देखे कि अपरिसंख्य स्रोतस है, शारीर भाव कुछ व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है, कुछ पता है, कुछ अनुक्त है, उनके सारे स्रोतसों जो अपरिसंख्य स्रोतस है उसमें से हम सिर्फ महत्व के, और उसमें भी कुछ प्रकार हम बता रहे, सारे के सारे भी बता नहीं रहे, और वो बताने की पद्धति क्या है, मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः, उनके हम मूलतः बताएंगे और प्रकोप विज्ञानतः उनका वर्णन करेंगे। ये किस लिए बता रहे हैं, ये कहते हैं ये भविष्यन्ति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवताम विज्ञानाय च अज्ञानवताम। ये भविष्यन्ति, ये आगे जाके आपको उपयोग में आएगा, किस लिए, अलम, अलम मतलब ये समर्थ रहेगा यह वर्णन, अनुक्तानाम ज्ञानार्थम, अनुक्तार्थ ज्ञानाय, जो यहाँ पे बताए नहीं है उनका ज्ञान करने के लिए आपको ये पद्धति महत्व की और आपको उपयोग में आएगी, और जो यहाँ पे बताई है, जो स्रोतसों का प्रकार यहाँ पे बताई है, उनके ज्ञान के लिए ये पद्धति महत्व की है। तो कौन से बताए हैं उनके अभी नाम दे रहे, तद यथा प्राणोदक अन्न रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र मूत्र पुरुष स्वेद वाहनी इति, ये 13 यहाँ पे बताए। आगे कहते हैं वात पित्त श्लेष्मणाम, अब वात पित्त श्लेष्मा ये भी शारीर भाव है, इसका अर्थ और ये मूर्त है, उनकी उत्पत्ति होती है, उनका नाश होता है, उनका वहन होता है, उनका कार्य है, उनकी विकृति भी दिखाई देती है, इसका मतलब उनका स्रोतस अपना अपना स्रोतस है। पर वो कहते हैं वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी स्रोतांसी अयन भूतानी। वात पित्त श्लेष्मा ये 3 शारीर भाव ऐसे है जो सर्व शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं, और उनकी गति अपने स्रोतस में तो होगी ही, पर सभी स्रोतसों में दोष घूमते हैं, रसवह में भी दोष घूमेंगे, रक्तवह में भी संचार करेंगे, मांसवह में भी संचार करेंगे, मेदोवह में भी संचार करेंगे, रसवह में भी करेंगे, वसावह में करेंगे, अग्निवह में भी करेंगे, आर्तवह में भी दोष संचार करेंगे, FSHवह में भी दोष जाएंगे, LHवह में भी दोष जाएंगे, ईस्ट्रोजन में भी दोष जाएंगे, उनके स्रोतस में वो सर्व शरीर के हर एक स्रोतस से दोष अपनी गति या संचार करते हैं, इसलिए इनके अलग स्रोतस हमने बताए नहीं। तद्वत अतीन्द्रियाणाम पुनः सत्वादीनाम केवलम चेतना वत शरीरम अयन भूतम अधिष्ठान भूतम च। उसी प्रकार से जो अतीन्द्रिय है, मतलब जो शरीर के इंद्रियों के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके भी अपने अपने स्रोतस है, इंद्रियों के भी अपने अपने स्रोतस है, इंद्रिय वह स्रोतस बताया है, कई जगह ग्रंथ में बताया है, तो हर एक इंद्रिय का अपना स्रोतस है और वो अपने अपने विषय का ग्रहण अपने अपने स्रोतसों में से करता है। तो वो जो अतीन्द्रिय है, ये इंद्रिय कैसे है, हमारे इंद्रियों के परे है, इंद्रियों का स्थान बताया है शिर,
सिद्धि स्थान अध्याय 9 में इंद्रियों का स्थान बताया है कि वो शिरस्थ है। वो अतीन्द्रिय होने से और सत्वादि मतलब मन इसका भी स्रोतस है, बुद्धि वह भी स्रोतस है, संज्ञा वह का भी स्रोतस है, ये सारे अतीन्द्रिय भाव पदार्थ है, पर वो शरीर में है, दिखाई देते नहीं है पर है, उनका कार्य दिखाई देता है, उनकी विकृति है। तो उनके अपने स्रोतस है वो सर्व शरीर में अयन भूत और अधिष्ठान भूत दो प्रकार से होते हैं। यहां पे गंगाधर जी ने स्रोतसों के प्रकार बताए हैं चरक के सूत्र का आधार लेके, आप टीका में बाद में देख सकते हो गंगाधर जी की टीका जल्पकल्पतरु टीका। वो कहते हैं कि स्रोतसों के दो प्रकार है, एक अयन भूत और दूसरा अयन भूत और अधिष्ठान भूत। एक स्रोतस सिर्फ बहने का उसका होता है और दूसरा बहने का और उसके साथ साथ अधिष्ठान का भी उसका स्रोतस होता है। तो ऐसे दो प्रकार उन्होंने किए हैं, एक प्रकार है अयन भूत और दूसरा अयन भूतम और अधिष्ठान भूतम, ऐसे दो प्रकार उन्होंने बताए हैं। आगे कहते हैं तद एतद स्रोतसाम प्रकृति भूतत्वात् न विकार ही उपसृजते शरीरम। जब ये स्रोतस प्रकृति भूत रहेंगे और उसमें जो बहने वाला शारीर भाव है वो जब प्राकृत अवस्था में रहेगा तब कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। अब इसके बाद में जो मेथोडोलॉजी बताई है स्रोतसों की, दो प्रकार की जो मेथड है, एक मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः, उस मेथड से वो 13 जो स्रोतस यहाँ पे वर्णन किए हैं जो महत्व के हैं और जो बताए हैं उनका वर्णन शुरू करते हैं। तत्र प्राणवाहानाम स्रोतसाम हृदयम मूलम महास्रोतश्च। पहले मूलस्थान बताया, यहाँ पे प्राणवह का वर्णन है, प्राण का अर्थ यहाँ पे क्या लेना चाहिए इसके ऊपर हमें विचार करना है। प्राण का अर्थ, प्राण कितने सारे अर्थों से हमें ग्रंथ में मिलता है, एक प्राण मतलब जीवित अर्थ है, दूसरा प्राण का अर्थ है प्राणवायु, जो सृष्टिस्थ प्राणवायु है उसको भी प्राण कहते हैं, तीसरा प्राण है वायु, द्वात दोष का एक आत्मरूप है, प्राणोदान समान व्यान अपान इसका एक आत्मरूप जो प्राण है उसका भी एक स्रोतस, उसका भी एक प्राण अर्थ है, और चौथा प्राण का अर्थ है अनुवर्तन। तो इस चार अर्थ में से यहाँ पे किसका अर्थ लेंगे, तो यहाँ पे प्राणवह से हमें लेना है। टीकाकार कहते हैं प्राणवहानाम इति प्राण संज्ञक वातवहानाम, जो प्राण संज्ञक वायु है उसका वहन है, जो सृष्टिस्थ पांचभौतिक वायु है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं या ऑक्सीजन कहते हैं या अम्बर पीयूष कहते हैं, ये शरीर में प्रवेश करता है नासा द्वारे श्वसन के साथ और शरीर में जाके अपना कार्य करता है और दुष्ट होके या शरीर की दूषित भाग लेके फिर से बाहर निकल आता है। ये जो मार्ग है इसको प्राणवह स्रोतस कहते हैं और उसके मूल स्थान बताए हैं हृदय मूलम महास्रोतश्च। यहाँ हृदय का अर्थ हार्ट नहीं लेना है, हृदय का अर्थ यहाँ पे उरस्थान लेना है, और महास्रोत का अर्थ ज्योतिष चंद्र सरस्वती नाम के टीकाकार हैं चरक के, उन्होंने महास्रोत का अर्थ फुफ्फुस लिया है। ये थोड़ा सा अलग अर्थ है और ऐसा क्यों करना है इसका विवेचन उन्होंने अपने टीका में किया है। महास्रोतस का अर्थ एक हमें पता है कि बहुत बड़ा स्रोतस, दूसरा मतलब क्या उसका अर्थ है कि मुख से लेके गुद तक जिसको हम महास्रोतस कहते हैं वो एक अर्थ है, और दूसरा बहुत बड़ा स्रोतस इस अर्थ से जो फुफ्फुस है जैसा मतलब उसमें अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, एल्वियोलाय तक जाते हैं वो मार्ग है, अत्यंत सूक्ष्मगामी वो मार्ग होते हैं, इसलिए ज्योतिष चंद्र सरस्वती टीका करते वक्त ऐसा कहते हैं कि प्राणवह का मूल स्थान महास्रोतस है, यहाँ महास्रोतस का अर्थ फुफ्फुस लेना चाहिए, इसलिए उरस्थान और उसमें जो फुफ्फुस है ये प्राणवह के मूल स्थान है। अब यहाँ पे च कार आया है, च तो च क्यों आया है, हमेशा जहां पे च आता है वहां पे कुछ अनुक्तों का वर्ण होता है। अब मूलस्थान के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मूलस्थान का अर्थ टीका में बताया है चक्रपाणि जी ने और गंगाधर जी ने भी यही अर्थ किया है, मूलम इति प्रभव स्थानम, एक अर्थ है प्रभव का उत्पत्ति, मतलब जहां पे उस भाव पदार्थ की उत्पत्ति है वो भी मूल स्थान है, और प्रभव का दूसरा अर्थ है प्रकर्षेण भवति इति प्रभवः, जहां पे वो अत्यंत मात्रा में अवस्थित रहते हैं अभिव्यक्त होते हैं उसको भी मूल स्थान कहते हैं। मतलब मूल स्थान के दो अर्थ प्राप्त हुए, एक उत्पत्ति स्थान और दूसरा वहां पे जो भाव पदार्थ अतिरिक्त मात्रा में या प्राबल्य से मिलते हैं उसको भी प्रभव स्थान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम मूल स्थान की व्याख्या करके जो हमारे सामने जो आता है, जैसे एक मेदोवह का जो मूल स्थान है मेदोवह का
वृक्को मूलम वपावहनम च। अब वहां पे वृक्क और वपावहन, यहाँ पे मेद की तो उत्पत्ति नहीं है, पर यहाँ पे उनके अभिव्यक्ति है, अतिरिक्त मात्रा में वो वहां पे मिलते हैं, इसलिए क्योंकि मेद की उत्पत्ति धातु परिणमन में है, अपने अपने स्रोतस में मेद की उत्पत्ति कहा है, मेदोह में, पर यहाँ पे ये अतिरिक्त मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसके वो मूल स्थान है। इसलिए हृदय और महास्रोतस में प्राण की उत्पत्ति नहीं है, ये प्राण सृष्टिस्थ जो प्राण वायु है, इसका शरीर में अंदर जाने के बाद, अपना कार्य करने के बाद फिर से शरीर के बाहर जाने तक का जो मार्ग है, उसको प्राणव स्रोतस कहते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वहन या अभिव्यक्ति ये अर्थ से ही हृदय और महास्रोतस ये अर्थ हमें मिलेंगे। प्रदुष्टानाम दुखलु एषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा। अब इसके प्रकोप लक्षण बता रहे हैं। अति सृष्टम मतलब जो श्वास है वो अति सृष्ट है, मतलब उच्छ्वास करते वक्त वो बहुत देर तक बाहर चला जाता है। अति बद्धम श्वास अंदर लेने के लिए और श्वास बाहर छोड़ने के लिए वो बद्ध है, मतलब अटका होके या रुकावट होके वो अंदर जाता है या रुकावट होके वो बाहर आता है। कुपितम विकृत है, जो प्राकृत श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है उसमें कुछ विकृत अवस्था ये है, जो श्वास के जो प्रकार है वहां पे वो लक्षण हमें मिलते हैं, महाछिन्न ऊर्ध्व तमक श्वास जो है वहां पे लक्षण मिलते हैं। अल्पाल्पम मतलब अत्यंत अल्प श्वास, मतलब ऐसा अल्प और बाहर निकालना भी अल्प श्वास, अल्प मात्रा में निकल रहा है, अल्प मात्रा में बाहर आ रहा है, पूरा का पूरा अंदर भी नहीं जा रहा है और पूरा का पूरा बाहर भी नहीं जा रहा है। अभीक्ष्णम वा या फिर बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा है, बहुत बड़ा श्वास है और बहुत बड़ी मात्रा में अंदर जा रहा है, ये भी विकृत है। और उसके साथ स शब्द शूलम, श्वास के साथ शब्द है, श्वास अंदर लेते वक्त आवाज आती है और श्वास बाहर छोड़ते वक्त भी आवाज आती है, ये भी एक विकृति का लक्षण है। और सशूलम श्वास अंदर लेने में और उच्छ्वासन करते वक्त शूल होता है, ये भी उसके दुष्ट उच्छ्वसंतम दृष्ट्वा प्राणवहानी अस्य श्रोतांसी प्रदुष्टानी विति विद्यात। अगर ये लक्षण आपको मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि इस रुग्ण का प्राणवह स्रोतस विकृत है। अब आगे कहते हैं उदक वह स्रोतस का वर्णन करते हैं। उदक वहानाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोमम च। अब हमें पहले उदक क्या है ये समझना बहुत महत्व का है। संदर्भ है चरक शारीर स्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 15, वहां पे उदक की कल्पना दी है। दशोदकस्य अंजलयः उदकम ऐसा कहा है। उदक के कितने प्रमाण है तो दश अंजलि इतना प्रमाण है। अंजलि मतलब ये अंजलि नहीं, अंजलि मतलब कुड़ो या चार पल, ये संदर्भ है कल्पस्थान अध्याय 12 में। एक अंजलि मतलब चार पल, ऐसे दस अंजलि शरीर में उदक है। उसमें कौन कौन आता है तो रक्त मूत्र स्वेद पुरीष, ये जो सारे शारीर भाव है इनमें जो द्रव भाग है वो उदक है। मतलब रक्त में जो द्रव भाग है वो उदक है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चरक खुद कहते हैं शारीर स्थान अध्याय 7 में। रक्त में जो द्रव भाग है वो उदक है, वसा में जो द्रव भाग है वो उदक है वो उदक है, स्वेद में जो द्रव भाग है वो उदक है, मांस में जो द्रव भाग है वो भी उदक है। सारे शरीर के घटकों में जो जो द्रव भाग है वो उदक है, इस सब उदक का ये स्रोतस है। और यहाँ पे तालु शब्द है, तालु मतलब ये तालु नहीं, तालु मतलब ऊर्ध्व या अधो तालु, जो दो तालु है अंदर वो मूल स्थान है, क्योंकि वहां से शुरुआत होती है उदक के परिणमन की। और अगला जो मूल स्थान बताया है वो क्लोम है। अब क्लोम का अर्थ क्या करना है तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती नाम के जो टीकाकार है, जिनकी चरक प्रदीपिका नाम की टीका है, उन्होंने अपने टीका में लिखा है क्लोम का अर्थ है पैनक्रिया। जो वर्णन उन्होंने किया है वो पैनक्रिया से मिलता जुलता है, इसलिए क्लोम का अर्थ है पैनक्रिया। और आज भी हमें पैनक्रियाटाइटिस में या पैनक्रिया की विकृति में तृष्णादि अति तृष्णादि लक्षण प्राप्त होते हैं। और मॉडर्न में जो डायबिटीज मलेटस नाम का जो व्याधि है, जो पैनक्रिया के विकृति से, मतलब जो अल्फा बीटा सेल है वहां से जो इंसुलिन की उत्पत्ति होती है, वहां पे अगर विकृति आ जाए तो हमें तृष्णा और प्रमेह या डायबिटीज मलेटस जैसे लक्षण मिलते हैं, तो ये हमें मिलता जुलता है, इसलिए क्लोम का अर्थ है पैनक्रियास। अब यहाँ पे अगेन फिर से चकार आया है,
तो च से क्या लेना है, जो यहाँ पे मूल स्थान बताए नहीं है पर वो मूल स्थान है वो हमें लेना है। जैसे प्राणवह में हृदय और महाश्रुतस ये दो मूल स्थान बताए और चकार से अनुक्तो भी बताए, तो अनुक्तो का कहाँ करण वर्णन करना चाहिए, तो चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय 9 में सूत्र क्रमांक 4 में प्राणवह का मूल स्थान शिर बताया है। अब बाद में संदर्भ देख लीजिए, वो कहते हैं शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राणवहानी श्रोतांसि, ऐसा संदर्भ है सूत्र चरक का, शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय वह प्राणवह श्रोतांसि, ये उसका मूल स्थान है शिर। यहाँ पे विमान स्थान में शिर ये प्राणव का मूल स्थान नहीं बताया है, हृदय और महाश्रोतस बताए, पर शिर यह भी प्राण का मूल स्थान है, वो संदर्भ सिद्धि स्थान में, इसलिए सिर्फ दो ही मूल स्थान नहीं है, दो का वर्णन किया है, अन्य भी मूल स्थान हो सकते हैं। वैसे उदक में तालु और क्लोम ये बताए, पर बाकी के शरीर में जहां जहां उदक है वहां वहां उसका मूल स्थान है, और श्रोतसों की जो व्याप्ति हमने देखी, जहां उसकी उत्पत्ति है, जहां उसका नाश है, जहां उसका कार्य है, जहां उसकी विकृति है, जहां उसका वहन है, वो सारा उसका श्रोतस है। तो वह मूल स्थान, अन्य मूल स्थानों का हम अर्थ या हम जो यहाँ पे बताए नहीं है ऐसे अन्य मूल स्थान हम यहाँ पे चकार में ले सकते हैं। आगे है उसकी विकृति के लक्षण कैसे समझना है, तो जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम यहाँ पे शोष और पिपासा अति प्रवृद्धाम अति मात्रा में पिपासा ये लक्षण उत्पन्न दिखाई जब देंगे तब आप समझिए कि इस रुग्ण का उदक व श्रोतस विकृत हो रहा है। अब आगे अन्न व श्रोतस है, अन्नवहा नाम श्रोतसाम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्व, आमाशय और वाम पार्श्व ऐसे दो स्थान बताए हैं। आमाशय की व्याप्ति कहाँ है, नाभि स्थानांतर जंतो, नाभि और स्थानांतर यहाँ के बीच का जो भाग है उसको आमाशय कहते हैं। संदर्भ चरक निदान स्थान अध्याय 8 और विमान स्थान अध्याय 3, दोनों जगह पे आपको आमाशय के व्याख्या मिलेंगे, और मात्रा श्रुति अध्याय वाग्भट का वहां पे भी आमाशय की व्याख्या है। तो नाभि स्थानांतर जंतु जो मनुष्य प्राणी है उसके स्थानांतर और मतलब स्तन दो और उसके नीचे नाभि इसके बीच का जो भाग है उसको आमाशय कहते हैं। या दूसरी व्याख्या है जहां आम अन्न का वहन होता है, आशय मतलब श्रोतस, आशय मतलब जगह नहीं, आशय मतलब मार्ग, ये आगे इसी अध्याय में आशय ये पर्याय दिया है श्रोतस का, जहां पे आम अन्न का वहन होता है वह आमाशय है। और दूसरा है मूल स्थान वाम पार्श्व, वाम पार्श्व का अर्थ ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी ने अपने चरक प्रतिपिका टीका में ग्रहणी ऐसा अर्थ लिया है। वाम पार्श्व में हम जब हम कब सोते, वाम कुक्षी करते हैं ना, दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर वाम वामतः सोने के लिए कहा है, सोना नहीं है, सिर्फ वामतः लेटकर ध्यान करना है या कुछ बातें करनी है, सोने का नहीं है दोपहर में, इसलिए वाम पार्श्व, पार्श्व मतलब लैटरल, वामतः लैटरली जो अवयव है मतलब जो ग्रहणी का पार्ट है वो मूल स्थान है, क्योंकि वहां पे अग्नि है, अग्नि का स्थान है ग्रहणी है, और इसलिए अन्नवह का मूल स्थान ये अग्नि का स्थान है। यहां वाम पार्श्व से हमें समझना है जहां पे अग्नि का स्थान है वो स्थान अन्नवह का मूल स्थान है, क्योंकि वहीं पे अन्न की उत्पत्ति होगी, जो बाह्य सृष्टिस्थ पंचभौतिक आहार है उसका परिणमन वहां पे होगा, उसका उत्पत्ति मतलब शरीर में जो शारीर भावों की उत्पत्ति पंचभौतिक विघटन वहां पे होगा, ये अग्नि का स्थान है। और आमाशय में उसका चर्वण होगा, ग्राइंडिंग होगा, उसका पंचभौतिक विघटन शुरू वहां पे होगा, और इसलिए दो मूल स्थान बताए हैं। और आगे जहां जहां अन्न का वहन होगा, पक्वाशय है या फिर और भी मॉडर्न साइंस से हमें जो जो अवयव पता चल गए उनका भी मूल स्थान में हमें लेना चाहिए, जहां जहां अन्न का वहन है वहां वहां, या अन्न के पार्टिकल्स का वहन है वहां वहां उसका मूल स्थान देना चाहिए। अब इसकी दुष्टि लक्षण क्या है, तो अनन्नाभिलाषा अरोचकम अविपाकौ छर्दीम च दृष्ट्वा, छर्दी आ रही है, अविपाक है मतलब अच्छा प्रजरण नहीं हो रहा है, उसका मल कैसा निकल रहा है, उस रुग्ण का साम मल निकल रहा है या अपक्व मल निकल रहा है, इसको अविपाक कहते हैं। और अरोचक, अरोचक के दो अर्थ है, एक तो आहार में रुचि न होना और दूसरा अरोचक का अर्थ जिंदगी में रुचि न होना, डिप्रेशन, किसी भी चीज में
उनको रुचि ही नहीं है। टीवी देखने के लिए बैठेंगे तो हर 2 मिनट में चैनल बदलेंगे, क्योंकि उनको एक चीज देखने में रुचि ही नहीं उत्पन्न हो रही है। ये अरोचक है, ये डिप्रेशन का एक लक्षण है। और जब अग्निमान्द्य होता है तब डिप्रेशन ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है, ऐसा व्यवहार में हम देखते हैं। इसलिए छर्दी और छर्दी से अतिदेश से अतिसार भी लेना चाहिए। अजीर्णावस्था या अविपाक मतलब भूख नहीं लगना, और अन्नाभिलाषा अन्न के ऊपर वासना न रहना, ये सारे लक्षण अन्नव के मूलस्थान है। आगे कहते हैं, अब आगे वो धातुओं के मूलस्थान सिर्फ बताते हैं। वो कहते हैं रसवाहनाम सोतसाम हृदय मूलम दशधमन्या, हृदय और दशधमनी ये रसव के मूलस्थान है। अब यहाँ पे चकार से हमें समझना है, जहां जहां रस का वहन है, जहां जहां रस का कार्य है, जहां जहां रस का परिणमन है, जहां जहां रस की विकृति दिखाई देती है, वहां वहां रस की मूल स्थान है। मूल मतलब अभिव्यक्ति, सिर्फ उत्पत्ति ये नहीं। हृदय में उत्पत्ति है, दशधमनी से उसका संचार है और उसकी अभिव्यक्ति सर्व शरीर में होगी। रक्तव का मूल स्थान शोणितवानाम सोतसाम यकृन मूलम प्लीहाच, चकार से अनुक्तों का समावेश करना चाहिए। मांसवानाम सोतसाम स्नायुर मूलम त्वच, स्नायु और त्वचा ये मांस के मूल स्थान है और चकार से अनुक्तों का भी लेना है। मेदोवाहनम सोतसाम वृक्कौ, अब यहाँ पे वृक्कौ ये द्विवचन है, मतलब दोनों वृक्क, और वपावहनम च ये दोनों उसके मूल स्थान है। मज्जा सॉरी अस्थिवाहनम सोतसाम मेदो मूलम जघनम च, मेद और जघन ये दोनों अस्थि के मूल स्थान है। जघन का अर्थ ज्योतिषचंद्र सरस्वती ने चरक प्रदीपिका के टीका में कटी का अस्थि लिया है। जघन मतलब जिसे हम हिप ज्वाइंट कहते हैं ना, उसको जघन कहा है, क्योंकि वहां पे वो सबसे बड़ी मात्रा में, इसके लिए उसका अभिव्यक्ति ज्यादा मात्रा में। मज्जावाणम सुतसाम अस्थिनी मूलम संदयश्च, शुक्रवाणम सुतसाम वृषणो मूलम शेफश्च। अब यहाँ पे शुक्र का मूलस्थान जो बताया है वो वृषण और शेफ बताए। तो कई लोग ऐसे कहेंगे कि स्त्रियों में क्या है फिर, स्त्रियों में शुक्र व सोतस है या नहीं, ऐसे कहा बताया कि स्त्रियों में सिर्फ 6 स्रोतस है, स्त्री 6 धातु है और शुक्र व सोतस स्त्रियों में नहीं है। तो वृषण का जो अभिव्यक्ति स्त्री शरीर में है, जिसको क्लिटोरिस कहते हैं, वो उसका मूल स्थान है। और शेफ मतलब मेहन मतलब मूत्र का वहन करने वाला या जो जननेन्द्रिय है, वैसे स्त्रियों में जो योनि है त्रयावर्ता योनि, ये इसका मूल स्थान है शुक्र वह का। मतलब स्त्री शुक्र शरीर में जो शुक्र वह है उसके मूल स्थान क्लिटोरिस और योनि ये दो है, और ये हमें इसकी विकृति के लक्षण यहाँ दिखाई देते हैं हमें। प्रदुष्टानाम तो खलु वेशम, अब धातुओं के जो स्रोतस यहाँ बताए हैं, इनके जो दुष्टि लक्षण है वो कहाँ बताए हैं, तो रसादि व सोतसाम विज्ञानानि उक्तानि विविध अशित पीतीय, विविध अशित पीतीय नाम का सूत्रसा में 28वां अध्याय है, उसमें यानी एव धातुनाम प्रदोष विज्ञानानि तानि एव यथास्वम प्रदुष्टानाम धातु सोतसाम। उस विविध अशित पीतीय अध्याय में जो धातु प्रदोषज विकार बताए है वही उस धातु के स्रोतसों के दुष्टि के लक्षण है। मतलब रस प्रदोषज जो लक्षण है, अश्रद्धा रुचि अस्य वैरस्य वगैरह जो सूत्र है, वही लक्षण सब रसव के मूल रसव सोतस के दुष्टि लक्षण है। अब यहां पे मैं थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा। धातु प्रदोषज विकार मतलब विकृत हुए दोष जब रसगत हो जाएंगे तब उसको रस प्रदोषज विकार कहेंगे, विकृत दोष जब रक्तगत जाएंगे तब उसको रक्त प्रदोषज विकार कहेंगे, विकृत हुए दोष जब मेदों में जाएंगे तब इसको मेदोगत या मेदो प्रदोषज विकार कहेंगे, और वही स्रोतस के दुष्टि के लक्षण है। इसका अर्थ स्रोतस की दुष्टि होने के लिए दोषों की विकृति होना आवश्यक है। दोषों की विकृति के बगैर स्रोतसों की और स्रोतसों से वहन करने वाले भाव पदार्थों की विकृति होना असंभव है। उसके विकृति के लिए दोष इनकी विकृति यही महत्व की है। अब आगे कहते हैं 3 शरीर से बाहर निकलने वाले भाव पदार्थों के सोतसों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं पहले मूत्रवह का वर्णन किया है। मूत्रवाहनाम सोतसाम बस्तिर मूलम वंशणोश्च, बस्ती और वंशन। अब यहां पे बस्ती से सिर्फ ब्लैडर नहीं लेना है, बस्ती से यहां पे पूरा मूत्रवह स्रोतस लेना है, वृक्क से लेके यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा,
और एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर, ये सारे जो है इस सब को कह के बस्ती के, जैसे योनि, ये शब्द त्रैवर्त योनि के लिए आता है। त्रैवर्त योनि में कौन कौन है? ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय है और सर्विक्स है और योनि है, मतलब वेजाना है, उस सबको मिलके योनि कहते हैं। उसी प्रकार समुचित मूत्रवह स्रोतस को बस्ती कहते हैं। तो मूत्रवह स्रोतसों का मूल स्थान बस्ती और वंक्षणों, वंक्षण नौ, दोनों प्रकार के वंक्षण। वंक्षण का अर्थ है अधो, टीका में दिए है चक्रपाणि ने दिया है, गंगाधर ने दिया है और योगेंद्रनाथ सिंह ने दिया है इसका अर्थ। वंक्षण का अर्थ है अध नाभि अध पार्श्व प्रदेश, मतलब उदर में जो 9 quadrants है उसमें से लोअर राइट और बोथ लोअर लैटरल क्वाड्रेंट्स, इसको वंक्षण प्रदेश कहते हैं। ये मूत्रवह का मूल स्थान है। इसके लक्षण क्या बताए हैं? अतिसृष्टम, अतिबद्धम, प्रकुपितम, अल्पाल्पम, अभिक्षणम वा बहलम, सशूलम मूत्रयंतम दृष्ट्वा। मतलब मूत्र प्रवृत्ति कैसी हो रही है? अतिसृष्ट, अति मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति हो रही है। अति मतलब उसके कंट्रोल गया है, मूत्र प्रवृत्ति के में जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल गया है। अति बद्धम मतलब रुक रुक के मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, पूरी की पूरी मूत्र प्रवृत्ति नहीं हो रही है, कुछ शेष रह रहा है। अल्पाल्पम, एक बार मूत्र प्रवृत्ति के लिए गया रुग्ण तो कहता है थोड़ी सी मूत्र प्रवृत्ति होती है, फिर से मूत्र का वेग आता है, फिर से जाना पड़ता है, इसको कहते हैं अल्पाल्पम। और बहलम मतलब एक ही बार में बहुत बड़ी, जिसको हस्ती मेह कहते हैं, जैसे हाथी मूत्र प्रवृत्ति करता है उस प्रकार से मूत्र प्रवृत्ति होती है, बड़ी मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, दीर्घ काल तक मूत्र प्रवृत्ति होती रहती है, इसको बहलम कहते हैं। और सशूलम मतलब मूत्र प्रवृत्ति करते समय मूत्रवह स्रोतस में शूल उत्पन्न होता है, इसको अगर ये लक्षण दिखाई देंगे तो मूत्रवह स्रोतस दुष्ट है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे कहते हैं पुरुषवहनाम स्रोतसाम पक्वाशयो मूलम स्थूल गुदम च। पुरुषवह के मूल स्थान कौन है? पक्वाशय। अब यहाँ पे आशय का अर्थ मार्ग है, जहां पे पक्व आहार बहता है उसको पक्वाशय कहते हैं, पक्व अन्न जहां पे रहता है उसको पक्वाशय कहते हैं। और स्थूल गुद, स्थूल गुद इसका सारा विवरण ये ज्योतिषचंद्र सरस्वती की टीका में अच्छे से दिया है, ये आप बाद में देख लीजिए। ये इसके मूल स्थान है। और इसके दुष्ट लक्षण क्या क्या है? कृच्छ्रेण मतलब कष्ट से मूत्र मल प्रवृत्ति हो रही है, मतलब एक बार जाने से साफ नहीं हो रही है और कष्ट से हो रहे, बहुत उसको वेदना होती है उसमें। अल्पाल्पम, एक समय में मूत्र पुरुष के लिए जाएगा मल वेग के लिए तो अल्प मात्रा में पुरुष वेग आता है। सशब्दम, उसके साथ आवाज आती है, आवाज के साथ मूत्र मल वेग है। सशूलम, शूल के साथ मल वेग है। अति द्रवम मतलब द्रव अतिसार जैसी मूत्र मल प्रवृत्ति है। या अतिगतितम मतलब कठिन मल प्रवृत्ति हो रही है। अति बहु और बड़ी मात्रा में मल प्रवृत्ति हो रही है। उपविशंतम, ऐसा मल प्रवृत्ति जब दिखाई देती है तब ये समझिए कि इसका पुरुषवह स्रोतस विकृत हो गया है। तीसरा स्रोतस जो शरीर से बाहर निकलने वाले वर्णन किया है वो है स्वेदवह। स्वेदवहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम लोमक उपाश्य। स्वेद ये मल, मेद का मल है इसलिए उसका मूल स्थान बताया है मेद। और लोमकूप, शरीर में जो रोमकूप है इससे ये बाहर निकल, अब यहाँ पे उत्पत्ति मेद में है इसलिए एक मूल स्थान बताया मेद। और एक में अभिव्यक्ति है, रोमकूप से अगर वो बाहर जाएंगे तभी हमें स्वेद दिखाई देगा ना, उसके अभिव्यक्ति रोमकूप से है, यहाँ पे उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति मेद में है और रोमकूप से अभिव्यक्ति है, ये दो उसके मूल स्थान है। चकार से अनुक्त को लेना चाहिए। प्रदुष्टानाम तो खुलु एशाम इदम विशेष विज्ञानम भवति, उसके अभी दुष्टि लक्षण क्या है? तो अस्वेदनम बिल्कुल स्वेद प्रवृत्ति न होना, अति स्वेदनम अति मात्रा में, ऋतु कोई भी हो इसको, इनको बहुत बड़ी स्वेद प्रवृत्ति होती है, खाना खाली बैठने के बाद भी कई लोगों को स्वेद प्रवृत्ति होती है, यह अति स्वेदन में आता है। पारुष्यम, त्वचा परुष हो चुकी है, रफ हो चुकी है। या अतिश्लक्षणताम अंगस्य, या त्वचा अतिश्लक्षण हो चुकी है। अंगस्य परिदाहम, सर्व शरीर में दाह है। लोमहर्षम, या रोमांच उत्पन्न हुआ है ऐसा अगर दिखाई दे रहा है तो स्वेदवह स्रोतस इस रुग्ण का दुष्ट है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब इसके बाद में 9 number का सूत्र, ये फिर से महत्व का सूत्र है। यहाँ पे उन्होंने लक्षालक्षणाम नामानी दिए हैं, मैं एक सूत्र पढ़ लेता हूं पहले फिर हम इसका विवरण करेंगे। श्रोतांसी सिराह धमन्या रसायन्या रसवाहिन्या नाड्या पंथानः मार्गः शरीर छिद्राणि
संवृता संवृतानी स्थानानी आशयाः निकेतः च इति शरीर धातु अवकाशानाम लक्षालक्षाणाम नामानी भवन्ति। जो लक्ष्य मतलब दिखाई देते हैं और अलक्ष्य मतलब अति सूक्ष्म है, ऐसे शरीर के सारे अवकाश, सारे जो शरीर में जो सारे अवकाश है, जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, दृष्टिगम्य नहीं है या फिर दृष्टिगम्य भी है, इन सबके नाम क्या क्या है? स्रोतस, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत और असंवृत। संवृता संवृत का अर्थ है जिसका अग्रभाग संवृत है, मतलब जो अग्रभाग होता है स्रोतस का शुरुआत जो है वो सूक्ष्म है और आगे जाएगा तब असंवृत मतलब विस्तृत हो जाएगा, या फिर शुरुआत में विस्तृत है जैसे महास्रोतस में है और जब आगे जाएगा तो वो संवृत होता जाएगा, उसका जो सरकमफरेंस है वो कम होता जाएगा। संवृता संवृतानी स्थान, स्थान ये स्रोतस का पर्याय है, सॉरी शरीर के अवकाश का पर्याय है। आशय और निकेत ये परस्पर के पर्याय है। चरक संहिता में सोरा, सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, स्थान, निकेत, आशय, स्रोतस, नाड़ी, पंथ, संवृता संवृत, शरीर छिद्र, ये सारे स्रोतसों के पर्याय है। तो जहां जहां छिद्र शब्द आएगा वहां वहां स्रोतस लेना है, जहां जहां आशय शब्द आएगा वहां वहां स्रोतस लेना है, जहां जहां सिरा शब्द आएगा वहां वहां स्रोतस शब्द लेना है, जहां जहां धमनी शब्द आएगा वहां वहां स्रोतस अर्थ लेना है, जहां जहां रसवाहिनी शब्द आएगा वहां वहां स्रोतस लेना है, जहां जहां निकेत शब्द आएगा, जहां आशय आएगा, जहां स्थान शब्द आएगा वहां अधिकरण देख के आपको स्रोतस ये अर्थ लेना पड़ेगा। ये उनके नाम दिए हैं। अब आगे का सूत्र और महत्व का है, आपके सामने अगर चरक है तो सामने रख के पढ़िए क्योंकि ये सूत्र बहुत महत्व का है। तेषां प्रकोपात मतलब स्रोतसों के प्रकोप से, मतलब दोष विकृत हो गए, दोषों की विकृति से स्रोतस विकृत हो गए तो स्थानस्थः च मार्गगः च शरीर धातवः प्रकोपम आपद्यते। स्थानस्थ मार्ग ऐसे शरीर भाव शरीर धातु प्रकोपित होते हैं। स्रोतस प्रकोपित हो गया तो स्थानस्थ, स्थान का अर्थ क्या देखा हमने? स्रोतस, स्रोतस में जो है ये एक अर्थ है। स्थान का और एक अर्थ है जो गंगाधर टीका ने लिया है, वो स्थान का अर्थ है प्राकृत अवस्था। तो स्थानस्थ मतलब प्राकृत अवस्था में, और उसके अगर आगे च है, स्थानस्थ च मार्गगः च, अब दो दो चकर क्यों दिए? एक ही अगर स्थानस्थ और मार्ग ऐसा अर्थ कहना चाहते थे तो स्थानस्थ मार्गगः च ऐसा कहते, पर स्थानस्थ च अस्थानस्थ च, इससे हमें क्या लेना है? स्थानस्थ अस्थानस्थ च, ये वाक्य शेष है। मार्गगः अमार्गगः च, अब अर्थ निकालेंगे कि स्थानस्थ मतलब प्राकृत अवस्था में और अस्थानस्थ मतलब जो क्षय में है या वृद्धि में है, ऐसे स्रोतस ऐसे धातु घटों की विकृति स्रोतसों की विकृति के कारण होती है, एक प्रकार की विकृति। मार्गग मतलब अपने अपने मार्ग में घूमने वाले, या अमार्ग मतलब रुके हुए या विमार्ग गमन हुए होने वाले स्रोतसों की शरीर धातुओं की विकृति स्रोतसों के विकृति के कारण होती है। मैं फिर से ये सूत्र इसका अर्थ दोहराऊंगा। पहले दोष विकृत होते हैं, दोषों की विकृति के बगैर कुछ नहीं होगा, पहले दोष विकृत होते हैं, दोषों की विकृति के कारण स्रोतसों में विकृति आती है, स्थान विकृत हो जाता है, इससे उस स्रोतस में जो वाह्यमान धातु है वो अगर प्राकृत होगा या विकृत होगा या क्षय वृद्धि अवस्था में होगा या अपने मार्ग में जा रहा है या अपना मार्ग छोड़ के दूसरे जगह जा रहा है, उसकी विकृति हो जाएगी। ये विकृतियां किसके कारण होती है? एक उसकी एक कारण है स्रोतसों की विकृति, और स्रोतसों की विकृति दोषों के कारण होती है। आगे कहते हैं इतरेषां प्रकोपाद इतराणि। हाँ, अब इसका विस्तार करना चाहिए। इतरेषां प्रकोपाद इतराणि का अर्थ है एक स्रोतस विकृत हो गया
तो उसके विकृति के कारण उसके जो पास में अन्य स्रोतस है वो भी विकृत हो जाएंगे। समझो रसव विकृत हो गया, तो जहां पे विकृति है वहां पे जो अन्य स्रोतस है उसकी विकृति हो जाएगी। एक स्रोतस दूसरे स्रोतस को विकृत कर देगा। जैसे एक आम की पेटी होती है, एक आम खराब हो जाता है तो वो बाजू वाले आम को भी खराब करने लगता है। वैसे ही एक स्रोतस विकृत होता है तो वो अन्य स्रोतसों को विकृत कर देता है। मतलब रसव से रक्तव दुष्ट हो जाएगा, मेदोव दुष्ट हो जाएगा, मज्जाव दुष्ट हो जाएगा, शुक्रव दुष्ट हो जाएगा, प्राणव दुष्ट हो जाएगा, उदकव दुष्ट हो जाएगा। अब प्राणव उदकव से प्राणव की विकृति श्वास चिकित्साध्याय में मिलती है। मूत्रव से प्राणव की विकृति, पुरीषव से प्राणव की विकृति, स्वेदव से प्राणव की विकृति, ये छर्द चिकित्साध्याय में मिलते हैं, तृष्णा में मिलते हैं। अब बाद में हम संदर्भ देखेंगे। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 20 सूत्र क्रमांक 16 में आप देख लीजिए कि मलवह, मूत्रवह और स्वेदवह से प्राणवह विकृत होता है। और श्वास के अध्याय में क्या बताया है? उदकवह से प्राणवह की विकृति है। और उदर में क्या है? रुद्वा स्वेदाम्बु वाहिनी। स्वेदवह में और अम्बुवह में स्रोतों में पहले विकृति है, उसके विकृति के कारण रुद्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोषः श्रोताओं संचिता प्राणाग्नि अपानं संदुष्य जनयन्ति अमयान बहुन जनयन्ति उदर सूत्र उदराणि। तो पहले स्वेद और अम्बुवह में विकृति है, उसके कारण प्राणवह में, अपानवह में और समानवह में विकृति आती है, तो उसको उदर कहते हैं। ये वहां पे बताया है। तो इस प्रकार से एक सोतस दुष्ट हो जाता है तो उसकी दुष्टि के कारण अन्य सोतस दुष्ट होने लगता है। इसी को ही आवरण की एक कल्पना कहते हैं। यही आवरण है, आवरण कुछ और नहीं है। एक घटक दुष्ट हो जाता है, उसकी दुष्टि के कारण अन्य घटक दुष्ट होने लगते हैं, उसको आवरण कहते हैं। आवरण मतलब झांकना, ऐसा अर्थ नहीं है। एक विकृत हो गया, उसकी विकृति के कारण दूसरा विकृत होने लगता है, इसको आवरण कहते हैं। अब आगे कहते हैं श्रोतांसी श्रोतांसी एव धातवः धातून एव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टः। अब इसका अन्वय लगाना पड़ेगा। प्रदुष्टः श्रोतांसी श्रोतांसी एव प्रदूषयन्ति। एक स्रोतस दुष्ट हो गया तो उससे बाकी के स्रोत दुष्ट हो जाएंगे। और प्रदुष्टः धातु धातून एव प्रदूषयन्ति। एक धातु विकृत हो गया तो उसकी विकृति के कारण अन्य धातु विकृत होने लगते हैं। आगे कहते हैं तेषाम सर्वेषाम, इन सारे स्रोतस और सारे धातुओं की विकृति किनके कारण होती है? वात पित्त श्लेष्मणा प्रदुष्टा दूषयितारो भवति दोष स्वभावात इति। सारे स्रोतस और सारे धातु घटकों को दुष्ट करने वाले कौन है? दोषी है। बार बार कहते हैं, हर जगह कहते हैं, दोषों की विकृति के कारण कोई नहीं, कुछ दुष्ट नहीं होता। इसलिए पहले दोष दुष्ट हो जाएंगे, फिर स्रोतस दुष्ट हो जाएगा या धातु दुष्ट हो जाएगा, और ये परस्पर को दुष्ट करेंगे। ये कहने के अध्याय पूरा करने वाले हम, थोड़ा थोड़ा अध्याय रह गया। ये कहने के बाद वो कहते हैं भवंती चात्र। अब सूत्र नंबर 10, क्षयात संधारणात रौक्षात व्यायामात क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती श्रोतांसी अन्येषु दारुणैः। क्षय संधारण रौक्ष व्यायाम क्षुधितस्य व्यायाम, जो क्षुधित व्यक्ति जिसको भूख लगी है इसने अगर व्यायाम किया तो उसका प्राणव विकृत होता है और अन्य स्रोतस दुष्ट होने के बाद प्राणव दुष्ट होता है, ये श्वास में दिखाई देता है। अब स्रोतसों के दुष्टि के हेतु बता रहे। औष्ण्यात आमात भयात पानात अतिशुष्कान्न सेवनात अम्बुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाः च अतिपीडनात्। औष्ण्यात मतलब अति उष्ण उष्णता से, आमात आम प्रदोष से, भयात भय से, पानात अति द्रवपान से, अति शुष्कान्न सेवनात बहुत मात्रा में शुष्क अन्न, द्रव बिल्कुल ही नहीं लेना, शुष्क अन्न के सेवन से और तृष्णा के पीड़न से, तृष्णा के वेग का अवरोध करने से अम्बुवाहि श्रोतांसी उदक व श्रोतस दुष्ट होता है। अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्टंती वैगुण्यात् पावकस्य च। अब यहाँ पे तीन चकार हैं, हम एक एक का अर्थ लेंगे। अतिमात्रस्य च मतलब अमात्रस्य, अपि अति मात्रा में खाना खाया
और अत्यंत अल्प मात्रा में खाना खाया, दोनों अन्न वह को दुष्ट करेंगे। अति मात्र से च मतलब अति मात्र और अमात्र, अकाले च मतलब अकाल में, मतलब भूख नहीं लगी है फिर भी अन्न खाया तो वो दुष्ट करेगा अन्न वह को, या भूख लगने के बाद खाना खाया, जब भूख लगी है वहां खाना नहीं खाया तो वो भी दुष्ट करेगा। मतलब फिर से मैं कहता हूं, भूख लगी है अन्न नहीं खाया अन्न वह दुष्ट हो जाएगा, भूख नहीं लगी है और अन्न खाया तो वो भी अन्न वह को दुष्ट करेगा। अहितस्य च भोजनात्, और अहित और उसको भी चकार है, अहित भोजन जिसका अंतिम परिणाम योग्य नहीं है उसको अहित भोजन कहते हैं, और हितकर भोजन भी अति मात्रा में या अकाल में खाना इसको भी हित अन्न वह का दुष्टि हेतु बताएंगे। मतलब अब हेतु क्या क्या मिले हमें अन्न वह के, अति मात्रा में खाना, अल्प मात्रा में खाना, योग्य काल में न खाना मतलब खाने का समय आया है और न खाना, या खाने का समय नहीं है भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खा रहे हैं, और अहितकारक खाना या फिर हितकारक अन्न अति मात्रा में, अल्प मात्रा में, अकाल में खाना, ये सारे हेतु अन्न व के दुष्टि के हेतु हैं। और आगे सबसे महत्व का है पावकस्य वैगुण्यात्, पावक मतलब अग्नि, अग्नि के विकृति से अन्न वह स्रोतस दुष्ट होता है। हमने देखा कि अग्नि का स्थान ही अन्न वह का स्थान है, वाम पार्श्व या अग्नि का स्थान है। आगे कहते हैं रसव का, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशतम, यहाँ पे समशतम शब्द जो है ये सबको लगाना है, गुरुम समशतम अति मात्रा में गुरु पदार्थ खाना, शीतम अति मात्रा में शीत पदार्थ खाना, अति स्निग्ध पदार्थ खाना और अति मात्रा में खाना, और इससे रसव ही दुष्ट होता है। और महत्व का हेतु है चिंत्यानाम च अति चिंतना, अब यहाँ पे भी फिर से चकार है, चिंत्यानाम अति चिंतना मतलब जो चिंत्य विषय है जिसका चिंतन करना चाहिए उसका भी अति चिंतन करना, यह भी रसव की विकृति का है। और चकार से क्या लेना है, अचिंत्यानाम चिंतना, जिसका चिंतन नहीं करना चाहिए उसका भी चिंतन करने से रसव विकृति। अभी अभी का जो जो आज कल का जो चल रहा है कोरोना, तो चिंत्य विषय है, उसका चिंतन करना चाहिए क्या करना है, पर उसकी अति मात्रा में चिंता करना ये अपना रसव विकृत कर देगा। या अचिंत्य मतलब चीन ने क्या करना चाहिए था, अमेरिका ने क्या, या अभी हमारे चिंतन का विषय नहीं है, हमारे चिंतन का विषय क्या होगा, मैं मेरा ख्याल कैसे रखूंगा, मैं मेरे घर वालों का ख्याल कैसे रखूंगा, इतना ही मेरा कार्य है। अमेरिका ने क्या करना चाहिए मेरा कार्य नहीं है, चीन ने क्या करना चाहिए मेरा कार्य नहीं है, तो वो अचिंत्य है उसका भी चिंतन करना ये मेरे रसव का विकृत करेगा। आगे रक्तवह विदाहिनी अन्नपानानी, विदा का अर्थ हेमाद्रि टीका में उसका व्याख्या दी गई है, हेमाद्रि के टीका अष्टांग हृदय सूत्रस्थ अध्याय 5 उसमें पहले दूसरे श्लोक में टीका है कि विदाही किसको कहेंगे, अम्ल अवस्थापक तो हर पदार्थ का होता है, तो विदाही किसको कहेंगे, जिसका अम्ल अवस्थापक अति मात्रा में होता है उसको विदाही कहते हैं। तो विदाहिनी अन्नपानानी, विदाही अन्नपान, स्निग्ध उष्णानी द्रवाणी च, अति मात्रा में स्निग्ध, अति मात्रा में उष्ण, अति मात्रा में द्रव आहार, और आतप अनलो भजताम, अति मात्रा में आतप में सेवन करना, और अनल मतलब अग्नि का सेवन करना, अग्नि का सेवन मतलब जहां पे अग्नि है वहां रहना, जैसे केमिकल की कोई फैक्ट्री है जहां पे आग लगाई है, या कोई स्वयं पाक महानस है जहां पे खाना बनाते हैं, या फिर होटल का जो खाना बनाने का जो स्थल है वह जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में आग लगाई जाती है, ऐसे स्थलों में दीर्घकाल तक रहना उसका रक्त वह स्वतः दुष्ट हो जाता है। मांसवाहिनी दुष्यंति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा, भुक्त्वा ये बहुत महत्व का है, दोपहर का खाना दिवा भुक्त्वा स्वपतां, दोपहर का खाना खाने के बाद सोना, ये मांसवाह की विकृति का बहुत महत्व का हेतु है। और उसके ऊपर उसके हेतु और दिए है अभिसंधिनी भोज्य, अभिसंधि किसको कहेंगे, शरीर में द्रवगुण ज्यादा मात्रा में बढ़ा है, ऐसे जो भोज्य पदार्थ है मतलब दधी, ऐसे जो भोज्य पदार्थ है जो अभिसंधि दुग्ध दधी नवनीत ये सारे अभिसंधि है, इनका सेवन अति मात्रा में करना। स्थूला नीच गुरु नीच, और स्थूल पदार्थों का और पचन के लिए जो गुरु है ऐसे पदार्थों का अति मात्रा में सेवन, क्योंकि ये समान से समान की वृद्धि करेगा, मांस दुष्ट करेगा। आगे है मेदोवाहिनी अव्यायामात दिवा स्वप्नात मेद्यानाम च अति भक्षणात,
मेदोवाहिनी दुष्यंति वारुण्यः चाति सेवनः, अव्यायामात व्यायाम बिल्कुल नहीं करने का, दिवा स्वप्नात, दिवा स्वप्न का अर्थ यहाँ है दोपहर में सोना, ये इतना अर्थ नहीं है, दिवा मतलब दिन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना, ये मेदोवा की दृष्टि का हेतु है। मैं फिर से कहूंगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी सोना ये मेदोवाही स्रोतस का दृष्टि हेतु है। मेद्यानाम जाति भक्षणात, मेद्य पदार्थों का अति मात्रा में भक्षण करना, और वारुण्य अति सेवन, वारुणी नाम का जो द्रव्य मेद्य है उसका अति मात्रा में सेवन करना, इससे मेदोव दुष्ट होता है। अब यहाँ पे मेद्य आहार विहार और दिवा स्वाप ये मेद के समान गुण के हैं, फिर भी ये मेदो को दुष्ट करते हैं, इसी को विरुद्ध कहते हैं। विरुद्ध का अर्थ है समान हो या विषम हो, विपरीत हो, एक साथ सेवन करने से अगर वो विकृत करते हैं शरीर धातु को तो उसको विरुद्ध कहते हैं। आगे है अस्थिवाही, व्यायामात अति संक्षोभात अस्न्याम अति विघटनात अस्थिवाहिनी दुष्यंति वातरानाम च सेवनात, मतलब व्यायाम इसका अर्थ यहाँ पे अति, ये वाक्य शेष है, अति व्यायामात अति संक्षोभात और अस्न्याम अति विघट, अस्थि का विघट मतलब ये ऐसा, ये आवाज निकालना, ये ऐसे उंगलियां करना या गर्दन हिलाना यहाँ वहां या पीठ पीठ मोड़ना, ऐसा जो करते हैं ये अस्थि का विघटन करते हैं ऐसे हेतुओं से, और वातलानाम सेवन, वातल आहार विहार का अति मात्रा में सेवन करने से अस्थि व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। उत्पेशात अत्यभिषंदात अभिघातात प्रपीडनात मज्जावाहिनी दुष्यंती विरुद्धानाम च सेवनात, उत्पेश अत्यभिषंद अभिघात और प्रपीडन ये मज्जावाही के हेतु है, और विरुद्ध अन्न पदार्थों का सेवन, विरुद्ध का अर्थ मैंने बताया, विरुद्ध का अर्थ दो आहार या एक आहार और एक विहार परस्पर के समान गुण के है या परस्पर के विपरीत गुण के है, ये जब शरीर में हम सेवन करते हैं इससे शरीर के धातु दुष्ट होते हैं, तब इनको विरुद्ध कहते हैं। विरुद्ध का अर्थ ऑपोजिट नहीं है, जो शरीर में दुष्ट धातुओं को दुष्ट करेगा वो विरुद्ध है, ये मज्जावह का विशेष हेतु है। अकाल योनि गमनात निग्रहात अति मैथुनात शुक्रवाहिनी दुष्यंति शस्त्रक्षार अग्निभि सता, अकाल योनि गमन, यहाँ पे अकाल योनि और अयोनि गमन, ऐसा दो भेद करने हैं। अकाल योनि गमन मतलब मैथुन की इच्छा नहीं है फिर भी मैथुन करना, मैथुन का काल भी नहीं है फिर भी मैथुन करना, अच्छी तरह से हर्ष नहीं है फिर भी मैथुन करना, ये अकाल मैथुन है। और अयोनि गमन मतलब जो प्राकृत मैथुन है उससे विपरीत, गुद मैथुन, मुख मैथुन या पशु मैथुन, इस प्रकार के विकृतियां सेवन करना, इसको अयोनि गमन ऐसा कहते हैं। निग्रहात मतलब मैथुन की इच्छा है, वेग आ रहा है फिर भी उसका निग्रह करना, और अति मैथुना मतलब वेग आया है या नहीं आया है, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स में होता है अति मात्रा में मैथुन, इससे शुक्र व स्रोतस दुष्ट होता है। और अगला हेतु है शस्त्र क्षार अग्नि भी, शस्त्र अवचरण, अग्नि अवचरण और क्षार अवचरण से शुक्र व स्रोतस दुष्ट होता है, इसलिए इन तीनों चिकित्साओं को जान सोच समझ के उसका अवलंब करना चाहिए। मूत्रित उदक भक्षस्त्री सेवनात मूत्र निग्रहात मूत्रवाहिनी दुष्यंति क्षीणस्य अभिशतस्य च, तो मूत्रित उदक भक्षस्त्री, मूत्रित मतलब मूत्र का वेग आया है, और ऐसे मूत्र के वेग आते हुए समय अगर कुछ खाना खाया या फिर स्त्री से मैथुन किया या फिर उदक का पानी पिया तो उससे उदक व सॉरी मूत्र व स्रोतस दुष्ट होता है। मूत्र निग्रहात मूत्र का वेग आया है और उसका अवरोध किया तो मूत्र दुष्ट होता है। और क्षीणस्य अभिक्षतस्य च, क्षय से धातु क्षय से और अभिक्षत से मूत्र व स्रोत दुष्ट होता है, अभिक्षत ये मूत्र व स्रोत में अगर क्षत हो गया तो उससे दुष्ट होता है। संधारणात अत्यशनात अजीर्णात अध्यशनात तथा वर्चो वाहिनी दुष्यंति दुर्बल अग्नेह कृशस्य च, संधारण मतलब पुरुष का वेग आ रहा है उसका अवरोध करना, अत्यशन अति मात्रा में आहार खाना, अजीर्णाशन मतलब पहला आहार पूरा जीर्ण होने से पहले ही अगला आहार खाना, और अध्यशन मतलब बार बार आहार खाना, इसके साथ कृशस्य दुर्बल अग्नि है, कृश व्यक्ति में विशेषतः दुर्बल अग्नि होगा तो उससे मूलभ स्रोतस दुष्ट हो सकता है। आगे है स्वेदवह के दुष्टि हेतु, व्यायामात अति संतापात शीतोष्णा क्रम सेवना स्वेदवाहिनी दुष्यंति क्रोध शोक भय सता, व्यायाम का यहाँ अति ये वाक्य शेष है, अति मात्रा में व्यायाम करना,
अति मात्रा में संताप, संताप मतलब क्रोध भी है, और जहां पे आग है वहां ज्यादा मात्रा में रहना अति संताप, और शीत और उष्ण का अक्रम सेवन, जैसे एक नया पदार्थ आया है सिजलिंग ब्राउनी, उसमें हॉट चॉकलेट और कोल्ड आइसक्रीम एक साथ होता है, ये शीत उष्ण व्यत्यास है, ये आपका स्वेदव श्रोतस दुष्ट करेंगे, कुष्ठ उत्पन्न हो जाएगा, ज्वर आ जाएगा। या फिर बहुत बड़ी धूप है और ऐसी कड़ी धूप में ठंडे पानी में एकदम से प्रवेश करना, ये भी शीत उष्ण क्रम व्यत्यास है, इससे स्वेदव दुष्ट होता है। और अगला हेतु है क्रोध शोक भय, क्रोध शोक और भय ये भी स्वेदव के मूल दुष्टि के हेतु है। अब ये सारा कहने के बाद ये सामान्य वर्णन करते हैं, आहारश्च विहारश्च यह स्याद दोष गुण ही समाहा, ऐसा आहार और ऐसा विहार जो दोषों के गुणों के समान है वो स्रोतस को दुष्ट करने वाला है, क्योंकि स्रोतस दुष्ट किन से होने वाले हैं, दोषों से होने वाले, इसलिए ऐसा आहार जो दोष के समान गुण का है या ऐसा विहार जो दोष के समान गुण का है जो दोषों को वृद्ध करेगा और उससे स्रोतस दुष्ट हो जाएगा। और धातु भी ही विगुण, धातु विगुण की टीका है यहां पे महत्व की है, धातु विगुण इति नतु धातु विपरीत गुणा विगुण, धातु के विपरीत गुण का विगुण ऐसा अर्थ नहीं है, यहां अर्थ है धातु विरोध का स्वभाव, धातु को दुष्ट करने वाले आहार विहार, जो आहार विहार दोष के समान गुण के है और धातुओं को दुष्ट करने वाले है उसको स्रोतसों के सामान्य प्रदूषक हेतु है। आगे कहते हैं सूत्र नंबर 24, अति प्रवृ, अब उसके दुष्टि सामान्य लक्षण क्या है स्रोतसों के, अति प्रवृत्ति संगो वा सिराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम चापि, यहाँ का अर्थ प्राय आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसे दिया जाता है, अति प्रवृत्ति संग सिरा ग्रंथि और विमर्गमन, ऐसे चार दिए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए मूल सूत्र क्या है, अति प्रवृत्ति संगोवा, मतलब एक तो अति प्रवृत्ति होगी या संग होगा या सिरा में ग्रंथि होगी। अब सिरा का अर्थ क्या है, सिरा मतलब स्रोतस, और ग्रंथि का उपलक्षण मात्र है शोथ, मतलब एक तो अति प्रवृत्ति होगी, जो धातु बह रहा है वो अति मात्रा में बहेगा, उदक अति मात्रा में सेवन किया तो उदक वह अति मात्रा में बहेगा, रक्त की प्रवृत्ति हो गई तो रक्त अति मात्रा में बढ़ेगा, तो अति प्रवृत्ति से विमार्ग गमन होगा, अति प्रवृत्ति विमार्ग गमनम च, ये एक लक्षण, अति प्रवृत्ति से विमार्ग गमन, संग से विमार्ग, संग मतलब ये मार्ग है और बीच में कहीं अवरोध हो गया तो ये पीछे से आने वाले कहां बहेंगे, ये एक तो इधर जाएंगे या पीछे जाएंगे या जहां रुके हैं वहीं रुकेंगे या जहां से मार्ग मिलेगा वहां से जाएंगे, इसको विमार्गमन कहते हैं। मतलब अति प्रवृत्ति से विमार्गमन, संग से विमार्गमन या सिरा में ग्रंथि से विमार्गमन, सिरा मतलब स्रोतस, ग्रंथि ये उपलक्षण मात्र है, मतलब स्रोतसों में कोई भी शोथ हो उस शोथ के कारण अगर मार्ग में अवरोध है तो उसका विमार्गमन होगा। ये तीन स्रोतसों के दुष्टि के लक्षण है। मैं फिर से कहता हूं, अति प्रवृत्ति से विमार्गमन, संग से विमार्गमन और सिरा में शोथ होने से विमार्गमन, सिरा मतलब स्रोतस, ग्रंथि मतलब शोथ, ये उपलक्षण शब्द है, इनसे विमार्गमन जब होगा तो इन तीनों, ये तीनों लक्षण स्रोतसों के सामान्य दुष्टि लक्षण है। आगे कहते हैं स्वधातु, अब इनके उनको पहचानना कैसा है, स्वधातु धातु समवर्णानी, मतलब रस वह कैसा होगा, रस के वर्ण के समान होगा, रक्त वह कैसा होगा, रक्त के वर्ण के समान, स्वधातु समवर्ण, मांस वह कैसा होगा, मांस के वर्ण के समान होगा, वृत्तानि कुछ वृत्त होंगे गोलाकार होंगे, स्थूलानि कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे स्रोतस होंगे, जैसे महास्रोतस है, फुफ्फुस है, विस्तृत है, उसका जो सरकमफरेंस है, व्यास जो है वो बहुत बड़ा है, वृत्तानि स्थूलानि, कुछ अणुनि बहुत सूक्ष्म है स्रोतस, अत्यंत सूक्ष्म, नेत्रगम्य भी नहीं है। आगे है दीर्घाणी, कुछ लंबे लंबे है, दीर्घाणी आकृत्या प्रतान सदृशानि, प्रतान सदृश मतलब जैसे लता के प्रतान होते हैं, मतलब एक लता है और उससे ऐसे ऐसे प्रतान आए, ये एक प्रकार, या फिर एक बीच में लाइन है, इससे एक प्रतान यहाँ है, एक प्रतान यहाँ है, एक प्रतान यहाँ है, एक प्रतान यहाँ है, ऐसे जो पत्ता रहता है ना उसके जो शाखाएं रहती है उस प्रकार से प्रतान,
या फिर एक प्रतांश शुरू होके इसके कई शाखाएं उत्पन्न होती है, इसको भी इस अलग अलग प्रकार के प्रतांग के सदृश शरीर में स्रोतस है। अब इनकी सामान्य चिकित्सा बता रहे हैं। प्राणोदकान्न अवाहनाम दुष्टानाम श्वासे की क्रिया कार्या तृष्णोपशमनी तथेव आम प्रदोष की, ये मंदानाम व्यवहारा ये बता रहे हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करना चाहिए, प्राण वह दुष्ट है ऐसा समझ में आया तो श्वास की चिकित्सा कर दीजिए, उदक वह दुष्ट है ऐसा समझ में आया तो तृष्णा की चिकित्सा कर दीजिए, अन्न वह दुष्ट है ऐसा समझ में आया तो आम प्रदोष की चिकित्सा कर दीजिए। विविध आशित पीतिये रसादिना मेदौषधम रसादि सोतसाम कुरियात तद यथास्व उपक्रमम। विविध आशित पीतिये में रस प्रदोष सॉरी धातु प्रदोष विकारों के बाद धातुओं के सामान्य चिकित्सा सूत्र बताए, वही चिकित्सा सूत्र स्रोतसों के दुष्टि के चिकित्सा के लिए भी उपयोग में लाना चाहिए। वो आप बाद में देख लीजिए, आप चरक बाद में देख सकते हैं। सूत्र सन चैप्टर 28। मूत्रविट स्वेद वाहनाम चिकित्सा मूत्र कृच्छ की तथा अतिसारी की तथा ज्वर चिकित्सा की, मतलब मूत्र व दुष्ट हो गया तो मूत्र कृच्छ की चिकित्सा करिए, मलव दुष्ट हो गया तो अतिसार की चिकित्सा कीजिए, और स्वेदव दुष्ट हो गया तो ज्वर की चिकित्सा कीजिए। मतलब क्या, वहां पे जो सिद्धांत बताए हैं वो सिद्धांत आपको यहां श्रोतस के दुष्टि है दुष्टि लक्षण में लेने चाहिए। इस प्रकार से श्रोतस इस शारीर भाव का विस्तार से वर्णन इस पूरे अध्याय में किया है, इसलिए वो तत्र श्लोका श्लोक पढ़ लेता हूं, आखिरी सूत्र है ये। तत्र श्लोका त्रयोदशानां मूलानि श्रोतसां दुष्टि लक्षणम सामान्यम नाम पर्यायः कोपनानि परस्परम दोष हेतु पृथक्त्वेन भेषज उद्देश्यैव च स्रोतो विमाने निर्दिष्टः तथा च अदो विनिश्चयः। ये सारा वर्णन स्रोतो विमान में किया, क्या क्या किया, जो महत्व के है जिनका वर्णन करना चाहिए ऐसे 13 स्रोतस, इनके मूलवह और दुष्टि हेतु दुष्टि लक्षण, इनके नाम पर्याय परस्पर को कोपन करने के लक्षण, दोष के प्रकोप के हेतु और उनकी चिकित्सा सामान्य चिकित्सा ये बताई। अनुक्त स्रोतसों का भी वर्णन किया, अनुक्त स्रोतस कैसे निकालने चाहिए हमने पहले देखा है, इसका भी वर्णन किया, उसकी पद्धति बताई और सामान्य चिकित्सा भी बताई। इसके बाद में कहते हैं सूत्र नंबर 31 में, केवलम विदितम यस्य शरीरम सर्वभावतः शारीरः सर्वरोगाश्च स कर्मसु न मुह्यति। शरीर का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसका सूत्र चरक का यह है, जो व्यक्ति यहा केवलम विदितम यस्य, केवलम मतलब समुचित शरीर के समुचित शारीर भावों का, जो सर्व भावों का शरीरम सर्वभावता शरीर के सर्व भावों का संपूर्णतः जो ज्ञान प्राप्त करता है उस वो व्यक्ति सारे सर्व रोगः शारीरः सारे शारीर मतलब निज व्याधियों में चिकित्सा में कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए चिकित्सा अच्छी करनी है तो शारीर का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ये विशेष अध्याय बताया, इसलिए विमान स्थान में बताया और ये एक शारीर भाव का वर्णन किया है। इस प्रकार से हमें अन्य शारीर भावों का भी वर्णन करना चाहिए, ये हमारे अभ्यास के लिए बताया है। इति अग्निवेश कृतंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने स्रोतो विमानम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार से आज हमने स्रोतो विमान अध्याय ये पूरा अथ से इति तक पूरा अध्याय पढ़ा, कल से हम निदान स्थान शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आयुर्वेद की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगली वीडियो में आप आयुर्वेद की कौन सी जानकारी जानना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और हाँ, अगर आप आयुर्वेद की ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें।